हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमाज किचन। दोस्तों, आज मैं आपको जलेबी की रेसिपी बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए, हम जलेबी बनाने के लिए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। जलेबी बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 1 कटोरी, दही लगभग 3 बड़ी चम्मच। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इलायची ली है कूटी हुई और थोड़ा सा सैफ्रन, ये मैंने थोड़ा सा कुकिंग कलर लिया है। हमें चाहिए लगभग 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और हमें चाहिए रिफाइंड ऑयल जलेबी तलने के लिए। यहाँ पर मैंने चीनी ली है जलेबी की चाशनी बनाने के लिए। तो चलिए, हम सबसे पहले जलेबी का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो जलेबी का बैटर बनाने के लिए हम एक बर्तन में ये हमारा 1 कप मैदा डाल देंगे। अब इस मैदे में हम 3 बड़ी चम्मच दही ऐड करेंगे। एक चम्मच हम बेकिंग सोडा लेंगे। ये देखिए लगभग इतना सा। हम यहाँ पर थोड़ा सा कलर यूज़ करेंगे, खाने वाला कलर। यहाँ पर हम इलायची पाउडर डालेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक बहुत ही थिक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए जलेबी का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए। हमें इसे बहुत पतला नहीं करना है, ये देखिए। तो चलिए, अब हम इस बैटर को लगभग आधे घंटे के लिए साइड पे रख देते हैं सेट होने के लिए। तब तक हम अपनी चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने गैस पर एक पतीला चढ़ा कर रखा हुआ है। इसमें मैं 1 कप चीनी डालूँगी और लगभग 2 कप पानी डालूंगी। अब हम इसे चला देंगे। जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम इस बैटर को अपने पाइपिंग बैग में भर लेंगे, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए मैंने सारा बैटर इस पाइपिंग बैग में भर लिया है। चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है, ये देखिए। अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे। ध्यान रहे, हमें जब चाशनी में हम अपने जलेबियों को डिप करेंगे तो चाशनी ना तो बहुत गर्म होनी चाहिए और ना ही बहुत ठंडी होनी चाहिए। तो चलिए, अब हम जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इस कढ़ाई में तेल डाल दिया है। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम हमारी जलेबियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे।
तेल गर्म हो जाने के बाद हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे और अब हम इसमें अपने जलेबियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप अपने मनचाहे शेप दे सकते हैं जलेबी को। जलेबियाँ हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकानी है। थोड़ी देर रुकने के बाद हम इसे टर्न करके देखेंगे। जलेबियाँ पक चुकी हैं। अब हम इन्हें सीधे कढ़ाई से निकालकर अपनी चाशनी में डाल देंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म जलेबियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।